शादी के बाद घर में कुलदेवी की पूजा होती है, मैं वो पूजा करवाना चाहती हूँ। मम्मी जी, पूजा में मेरे साथ साक्षी बैठेगी। आंटी जी, क्या मैं आज सिंदूर लगा सकती हूँ? आज मैं पहली बार राज के साथ पूजा में उसकी बीवी की जगह बैठूंगी ना। तुम ये नहीं कर सकती, ये अधिकार सिर्फ प्रीत का है। मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि मेरा देवर है जगन, उसे शक हो गया और उसने अपने गुंडे पीछे लगा दिए। सतर्क रहना। मछली जाल में मैं साफा बांध देती हूँ। मेरी असली माँ ने मुझे ये साफा नहीं बांधा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी बंधवा, समझिए आप। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना, तू मैनू मिल जा। तैनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। सत श्री अकाल सरकार। पर जाए कहां चली गई है चाणक्य? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे कहना था, आपका ये काम मैं नहीं कर सकूंगी। अचानक क्या हुआ, क्यों? जब तक सत्ता आपके हाथ में थी, मैं आपका राज राज रखने से डरती नहीं थी, पर अब हालात बदल गए हैं। अब शाह जगन बन गया है और मुझे किसी तरह का खतरा नहीं लेना है, इसलिए ये आपका राज आपको वापस करने आई हूँ। Yeah.
मैंने कहा था ना कि नहीं होगा। राज, ये क्या कर रहा है? हाथ खोल मेरा। राज, राज खोल मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। मम्मी जी, मम्मी जी। मैंने कहा था ना कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे तुझे पूजा में बैठने नहीं दूंगा मैं। बड़ी मर्द बने फिरती थी ना तेरी 18 साल की गलतफहमी आज मैं दूर कर दूंगा। आज तुझे पता चलेगा कि तू कितनी कमजोर है। जी भर के पश्चाताप कर ले प्रीत, क्योंकि अगर आज तू पूजा में नहीं पहुंच पाई तो समझ लेना कि भगवान भी यही चाहते हैं कि तू इस घर में ना रुके। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया तुझे, ये जो गांठ मैंने बांधी है ना ये अक्सर मछुआरे बांधते अपनी मछली को बांधने के लिए, तो तू जितनी कोशिश करेगी इन्हें खोलने की उतना इसमें बंद दी जाएगी। राज, उठ! सिम्मी, मम्मा, सिम्मी, पागल हो गई हो क्या? इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई? किसी ने देख लिया तो इसकी जान चली जाएगी। लेके जाओ यहाँ से। बस, किसी ने देख लिया तो इसी डर ने मुझे मार रखा है। बहन जी, आप ही ने कहा था ना, जगन के आदमी पीछे पड़े हुए हैं। अब हम अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? पिछले 10 सालों से आपके इस राज को हमने अपने छाती में छुपा के रखा है, आपकी पागल बेटी को संभाला है, पर अब जब बात हमारी जान पर आई है तो जान से बढ़कर क्या है? पता नहीं किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। पहले बाजवा इसकी जान के पीछे पड़े रहे, भगवान ने बचा लिया। डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी बेटी की ये हालत हो गई कि इसे अपनी उम्र का भी तकाजा नहीं है। ओ सोनू भाई, मेरी परजाई को देखा क्या? ना शाहजी। दस साल अपने से दूर रखा है मैंने इसे ताकि इसकी कोई जान ना ले ले, और अब तुम पर मैंने विश्वास करके अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी। पीछे हट रही हो क्यों?
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ऐसा, मत कर। ले जाओ इसे अपने साथ वापस, नहीं तो इसे मार डालेंगे। नहीं अम्बा बहन जी, मैं ये जिम्मेदारी और नहीं उठा पाऊंगी। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए आप। पंडित जी ये गंगा जल। सारी तैयारियां ठीक है ना? जी सारी तैयारियां हो गई हैं। परिवार के सदस्यों को बुला लिया जाए? जी मैं अभी अपनी बहू को बुलाकर लाती हूँ। मम्मी अगर कमरे तक गई राज तो प्रीत को आजाद करवा देगी। पंडित जी। जी यजमान। मैं सोच रहा था कि पूजा आरंभ करने से पहले अगर आप मम्मी पापा से संकल्प दिलवा देते तो। अति उत्तम। पापा जी, पापा जी वो संकल्प लेना है, आ जाइए ना। जी प्लीज प्लीज आपको ये करना होगा वरना मेरा प्लान पूरा नहीं होगा। मेरा प्लान पूरा करने के लिए प्लीज हाँ बोल दीजिए पापा जी। प्लीज प्लीज जल्दी। ओए अमृत, आ जा। आ जा। बच्चों की लंबी उम्र के लिए संकल्प लेते हैं, आ जा। मम्मी और पापा साथ पूजा करेंगे और प्रीत भी दूर रहेगी, अब बनेगी बात। स्थान ग्रहण कर लीजिए। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचिः। हाथ धो लीजिए। ओम पुनन्तु महादेवजनाः। सामने छोड़ दीजिए। पुनन्तु मनसा धिया। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। आगया कर रही है भरजाई? मुझे खबर मिली थी कि अनाज की चोरी होने वाली है, इसलिए देखने आ गई थी। वो
भरजाई अब मैं शाह हूं। तुझे नहीं लगता तुझे ये बात मुझे आके बतानी चाहिए थी? तेरे शाह बनने से पहले मैंने यहाँ के नौकर चाकर रखे थे, तो मुझे लगा ध्यान देना मेरी जिम्मेदारी है। भरजाई फिर झूठ बोल रही है, और कितने झूठ बोलेगी? मैंने अपने कानों से सुना है तूने किसी औरत को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। हाँ तो मैंने कब बोला नहीं बुलाया? जो लड़का यहाँ पर पहले काम करता था वो गांव छोड़कर चला गया है, और मुझे शक था कि उसी ने चोरी करवाई है। उसकी माँ को बुलाया था, उसे उसके पैसे दिए मदद करने के लिए ताकि सच बोले। बेचारी उधार की जिंदगी जी रही थी। अच्छा पक्का यही सच्चा है? हाँ तो और क्या होगा? जब मैंने पहले पूछा था तब क्यों नहीं बताई ये बात? अगर पहले बता देती तो क्या तू उसे छोड़ देता? मुझे पता है कि तू उस लड़के का बदला उसकी मां से निकालता। भरजाई शाह मैं हूँ, तू इन सब चक्करों में ना पड़ा, जो भी संभालना मैं संभालूंगा। हाँ तो ठीक है ना? आइंदा से नहीं पढ़ूंगी तेरे मामले में। तू शाह है तू ही देख लेना, मैं चलती हूँ। प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो नमस्ते फटिका प्रभाया सुस्ते तोहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। कलश के ऊपर अर्पण कर दीजिए, नमस्कार कर लीजिए। ये प्रीत अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? लगता है पक्का इंतजाम किया है प्रीत का इस बार। कई बार हरा चुका हूं उस प्रीत पवनिया को, अब भी हारेगी। नहीं आएगी पूजा, आ ही नहीं सकती। राज बेटा जी, आप विराजमान हो जाए। अपने अर्धांगनी को भी बुला लीजिए। आओ साक्षी, राज के पास बैठो। आखिर इस घर की बहू और राज की अर्धांगनी तुम ही तो हो। आओ
नहीं, ये राज की पत्नी नहीं है। प्रीत राज की पत्नी है। पूजा में सिर्फ प्रीत ही बैठेगी।